गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया था। आज जैसे इनदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिच्यूएटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से नीचे ही होता है, ब्रेन के अंदर पार्ट है पिच्यूएटरी ग्लैंड। पिच्यूएटरी ग्लैंड ठीक है। तो इसी तरह से पिच्यूएटरी ग्लैंड की सीक्रीशन जैसे आपको पता है हाइपोथैलेमस से ही रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन की मदद से उसकी रेगुलेशन होती है। मींस रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे तो पिट्यूएटरी ग्लैंड की सीक्रीशन से रिलीज होंगे। अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होंगे तो पिट्यूएटरी ग्लैंड की सीक्रीशन इनहिबिट हो जाएंगी या स्टॉप हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि लाइक पिट्यूएटरी ग्लैंड इज इटसेल्फ इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अदरवाइज प्रीवियसली इसको पिच्यूएटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे, अब मास्टर ग्लैंड नहीं कहते हैं। अब जो मास्टर कंट्रोल सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज हाइपोथैलेमस, वरना अदरवाइज जो प्रीवियसली ये लाइक पिच्यूएटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड तस्वर किया जाता था। बिकॉज क्यों तस्वर किया जाता, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड आगे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रीशन को रेगुलेट करते थे। इस वजह से इसको एक टर्म दिया गया था कि ये मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, तो इसी तरह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान एक कनेक्शन है। जैसे हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस के साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी स्टाक के जरिए अटैच होता है, और उस स्टाक के अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और उस स्टाक का जैसे खास नेम भी है, खास इन्फंडिबुलम, सिंपली इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन इसकी देखें कि पोजीशन या लोकेशन, तो ये हाइपोथैलेमस। आगे नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं। तो ये जो एक छोटी सी स्टाक है जिसे हम कहेंगे पिच्यूएटरी स्टाक कहते हैं, और ये जो है पिच्यूएटरी ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से नीचे है, अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय शॉर्ट स्टाक कॉल्ड इनफंडिबुलम, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स ऑफ द न्यूरो सीक्रेटरी सेल। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। वो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स अपनी सीक्रीशंस किस लोब के अंदर देते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पे आके स्टोर होते हैं। तो वहां पे जो जैसे ये इन्फंडिब्यूलम है, ये एक्चुअली किसका बना हुआ है, ये इन्फंडिब्यूलम इन्हीं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स के फाइबर का और ब्लड वेसल्स का ये इन्फंडिब्यूलम बना हुआ है। सो द फाइबर्स पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल लोब। अच्छा, ये पिट्यूटरी स्टाक की एक जनरल डेफिनेशन, जो ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे किसी सिलेबस में नहीं है। तो जो रेफरेंस बुक है वो ये कहते हैं कि पिट्यूटरी स्टाक को एक इनफंडिब्यूलम स्टाक, इनफंडिब्यूलर स्टाक भी कहते हैं, इसे फेंडरसन फनल भी कहते हैं, और सिंपली इसे इनफंडिब्यूलम भी कहते हैं। जो ना तो आपकी टेस्ट वगैरह में भी सवाल आएंगे, मैं आपको थोड़ी सी ये जो नॉलेज है इसके बारे में वो बता रहा हूँ। कनेक्शन है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर लोब। जैसे हम हमारे बुक में जैसे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, बट जो रेफरेंस बुक कहते हैं बिल्कुल कि ये पोस्टीरियर लोब्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जैसे आप देखें ना कि इनफंडिबुलम किसका बना हुआ, टेक्स्ट बुक में भी थोड़ी सी पॉइंट पड़ी है, ब्लड वेसल एंड फाइबर्स ऑफ द न्यूरो सीक्रेटरी सेल। न्यूरो सीक्रेटरी सेल के फाइबर्स किस लोब में जाते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और आगे एक मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे डैमेज अगर हो जाए इस पिट्यूटरी स्टाक को, इनफंडिबुलम को डैमेज हो जाता है ना, अगर डैमेज हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो कौन से हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। जाहिर है दो हार्मोन है, कौन से, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल की जो सीक्रीशन होती है, ये दो हार्मोन है।
डैमेज टू पिट्यूटरी स्टाक ब्लॉक से रिलीज ऑफ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इस तरह से फिर आगे ये जो है कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो कहने की बात है कि ये लाइक ये थोड़ी सी एक रेफरेंस बुक की पॉइंट है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक थोड़ी सी और रिफाइंड डेफिनेशन है कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अटैच होता है, किसके जरिए, एक लाइक नर्व फाइबर्स हैं प्लस में ब्लड वेसल्स हैं, वो आपस में मिलकर इनफंडिब्यूलम बनाते हैं, इनफंडिब्यूलम बनाते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी स्टाक भी सिंपली इसे कहते हैं। हम बड़ी तस्वीर पे आते हैं इसकी। जैसे देखें ये पिट्यूटरी स्टाक है, पिट्यूटरी स्टाक अब देखें येलो पोर्शन है, ये जो हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, यही हाइपोथैलेमस का पोर्शन इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आके कनेक्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी स्टाक, इसे हम कहते हैं, सिर्फ इसे कहते हैं कि पिट्यूटरी स्टाक है। इसी तरह से ये पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब, और इसी तरह से ये आगे जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कितनी लोब्स होती हैं या डिवीजन्स होती हैं, 3 लोब्स हैं। एक जैसे ये एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर लोब है, और उसके बीच में एक थोड़ा सा रीजन है जिसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, जैसे थोड़े बायोलॉजिकल टर्म है पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया की मीनिंग होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रेफर्स टू मीडियन मिडिल, इंटरमीडिएट रेफर्स टू मीडियन और मिडिल। जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये है कि ये बाउंड्री है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ह्यूमन फीटल लाइफ, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस वक्त ये जो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है कौन सी, ये पार्स पार्स इंटरमीडिया, जिसे मीडिया लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये उस वक्त फीटल लाइफ में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये वेल डेवलप्ड होती है। फिर जब एडल्टहुड की तरफ आते हैं तो उसके बाद ये बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, इवन जो है एबसेंट हो जाती है, ठीक है। फीटल लाइफ में ये थोड़ी सी वेल डेवलप्ड होती है, और उसके बाद इसमें MSH हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन की जो पिगमेंट होती है। जस्ट स्किन तो एक लेयर है, स्किन एक लेयर है, बट उसके अंदर जो कलर है या पिगमेंट है वो मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो होता है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हम आएंगे आगे डिस्कस करते हैं, मीडियन लोब को अलग से डिस्कस करते हैं, हमारे बुक में भी डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपली यहाँ पे ये है कि लाइक फीटल लाइफ के अंदर या एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होती है, और उस वक्त ये MSH हार्मोन प्रोड्यूस करता है। MSH हार्मोन जो है यकीनन मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, स्किन का कलर, और उसके बाद जैसे एडल्ट लाइफ होगी तो उस वक्त ये जो है बहुत ही रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, और सिंपली हम कहेंगे मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। इसी तरह से जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके भी जैसे अल्टरनेटिव नेम है, STB में भी नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस STB, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इसका अल्टरनेटिव टर्म भी मौजूद है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एडिनो हाइपोफाइसिस। अल्टरनेटिव टर्म्स याद करना जरूरी है, आप याद करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। 8-10 मरतबा मैंने भी यहाँ पे रिपीट किया है, थोड़ा सा आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें और इन टर्म्स को आप याद करें, अल्टरनेटिव टर्म्स हैं। थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, पार्स डिस्टलिस भी कहते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, नहीं टेस्ट का क्वेश्चन वगैरह, पार्स डिस्टलिस कहते हैं, और इसे कहते हैं पार्स नर्वोसा, नर्वोसा रेफर्स टू न्यूरॉन नर्व्स, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस से न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होंगे, उनके एग्जान आके
पोस्टीरियर लोब आप पिच्यूटरी ग्लैंड में आके अपनी सीक्रीशंस को स्टोर करते हैं, जस्ट पोस्टीरियर लोब आप पिच्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ खुद से कोई हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता। हार्मोन तो एक्चुअली न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस के होते हैं, उनके साइटोन में प्रोड्यूस होते हैं, देन एग्जॉन टर्मिनल होते हैं वहां पे ये स्टोर होते हैं, और उसके बाद ये स्टोर कहाँ होंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देन वहां से रिलीज होंगे। तो बहरहाल इसका एक नेम है पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये अल्टरनेट मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कि लाइक इस तरह के मेडिकल टर्म्स होते हैं। तो ये जो लोब है मीडियन लोब कहलाती है, मीडियन लोब जो फीटल लाइफ में वेल डेवलप्ड होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वेल डेवलप्ड होती है, आगे जो है नहीं होगी। और ये पिट्यूटरी स्टाक एक्चुअली है क्या, पिट्यूटरी स्टाक जिसे हम कनेक्शन कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान, बट एक्चुअली ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान कनेक्शन है। इसके अंदर एक तो नर्व फाइबर्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, उनका जो है ये स्टाक की कंपोजिशन है। इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो नर्व फाइबर्स हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में और ब्लड वेसल्स हैं, तो इस तरह से जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस बनता है, एंटीरियर लोब दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो होपफुली आपने इनका कनेक्शन नोट कर लिया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की किस जगह पे इसकी लोकेशन है, कितनी लोब्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान जो कनेक्शन है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये की टर्म्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं, जैसे जनरली या मोस्टली जैसे हम कहते हैं कि दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है और दूसरी है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो इसमें हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होते हैं, जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, जो आगे जाके मींस हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, यह हार्मोन अपने प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसी तरह से जो जैसे यहाँ पे लाइक जो ये एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस से यानी जो सिग्नल और इम्पल्सिस आएंगे रिलीजिंग फैक्टर, और देन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, खुद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अपने जैसे एंडोक्राइन सेल्स हैं वो एंटीरियर लोब खुद से जो है हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। जैसे ये एंडोक्राइन सेल है, ये एंडोक्राइन सेल है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, एंटीरियर लोब पोस्टीरियर नहीं करती है, एंटीरियर लोब के अंदर ऐसे एंडोक्राइन सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, देन ये हार्मोन जो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। इसकी कंपेरेटिवली आप देखें पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अंदर कोई भी हार्मोन सीक्रेटिंग सेल नहीं है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स हैं, ये अपने खुद से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। पोस्टीरियर लोब के अंदर कोई भी हार्मोन सीक्रेटिंग सेल नहीं है, इनकी एक्चुअली हार्मोन्स आपको पता है यहाँ पे जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं उनके साइटोन में ये प्रोड्यूस होते हैं, देन वेजिकल की सूरत में पैकेजिंग होके आके मींस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं, देन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं। अब दोनों इलस्ट्रेशंस को कंपेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाइक इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इटसेल्फ कोई भी एंडोक्राइन सेल नहीं है जो हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है, न्यूरो सीक्रेटरी सेल करता है, वो उनकी सीक्रेशन आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होगी, देन ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली इंटर होगी। इसी तरह से आप देखें जो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर जो भी होते हैं ये रिलीज करेंगे, तो आगे जैसे आपको पता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अपने एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन देन जो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। होपफुली आपने इन दोनों की मैकेनिज्म एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब की पढ़ी होगी, समझी होगी कि ये क्या होती है, ठीक है। तो ये थोड़े से आइडियाज आपके पास क्लियर होने चाहिए कि पोस्टीरियर लोब के पास कोई भी खुद से कोई एंडोक्राइन सेल नहीं है, एंटीरियर लोब में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आगे, जैसे हम देखेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन है और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन है। जैसे एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे 6 हार्मोन है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा एंटीरियर लोब का, वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होगा, वो एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी, एड्रीनल कार्टेक्स खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो
थायराइड ग्लैंड खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं, जिनका इफेक्ट होता है गोनेट्स पे, मेल के अंदर टेस्टिस पे होता है और फीमेल के अंदर ओवरीज पे इफेक्ट होता है। FSH और LH, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका भी इफेक्ट जो है गोनेट्स पे होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज पे होता है। टेस्टिस एंड ओवरीज खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यानी FSH और LH इनकी जो सिक्रीशन, तो ये पिच्यूटरी ग्लैंड की है, एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड है। ये एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड से TSH भी रिलीज होगा, ACTH भी रिलीज होगा, FSH एंड LH भी रिलीज होगा, जिनका इफेक्ट या टारगेट आगे क्या है, इनका टारगेट है ये गोनेट्स हैं। ये सारे टारगेट आर्गन है, ये सारे टारगेट सेल है, ये हार्मोन है पिच्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड का, और ये इनके जो है टारगेट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, यहाँ पे जो एक चार्ट था जिसके बारे में स्टूडेंट पूछ रहे ये क्या है, वो मीन्स बताया गया था कि हर हार्मोन का एक टारगेट सेल होता है, एक टारगेट आर्गन होता है, उस पे उसका एक्शन होता है, बाकी बॉडी के अंदर किसी भी दूसरे पार्ट पे कोई हार्मोन कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो यानी TSH होगा वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ACTH होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, खुद से ही एंडोक्राइन ग्लैंड है। FSH एंड LH जो है ओवरीज जो एंड टेस्टिस को इफेक्ट करेंगे, ये खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है इंटायर बॉडी पे इफेक्ट है, इंटायर बॉडी पे इफेक्ट है, खास तौर पे बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ होती है, ओवरऑल जैसे हम कहते हैं बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे यंग वन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उसकी साइज जैसे स्मॉल होती है, वो मैच्योर और एडल्ट साइज तक पहुंचता है, तो बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। ठीक है, इंटायर बॉडी, इसमें ये एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ग्रोथ हार्मोन का आगे जो इफेक्ट किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे नहीं हो रहा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स पे स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन की वजह से, और प्रोलैक्टिन को एक वीक रोल है, एक स्ट्रांग रोल नहीं है गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन के तौर पे, वीक रोल है, थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पिच्यूटरी ग्लैंड के कौन कितने, एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन है, कितने हार्मोन है, उनका टारगेट क्या है, ये सिंपल एक इलस्ट्रेशन है, डिटेल आ रही है आगे, डिटेल आगे आ रही है। तो यानी कितने हार्मोन होंगे, ये 6 हार्मोन्स हैं। कौन से 6 हार्मोन, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6। आप देख रहे हैं कि ये एंडॉर्फिन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करते हैं, जो एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं। पेन रिसेप्टर इन द ब्रेन के तौर पे ये एंडॉर्फिन काम करेंगे, जो हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में इसका कोई भी रोल या फंक्शन नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। एंडॉर्फिन्स नेचुरल पेन किलर से आपको पता है कि वो हम इसके लिए कहते हैं, तो इसको जो है यहाँ पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखें कि सबसे पहले न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, उनमें से रिलीजिंग हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा तो एंटीरियर लोबा पिच्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं एंटीरियर लोबा एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड। न्यूरो सिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के हैं, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। जब रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो उसके इफेक्ट में एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड जो होंगे वो आगे अपने 6 हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जिनके ये टारगेट्स हैं, जिनके ये आगे टारगेट है। ठीक है, होपफुली ये सेम जो पिछली इलस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था वही सेम है। हाइपोथैलेमस, वहां से रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएंगे, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ताकि ये अपने जो है अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें, जिनकी तादाद होती है 6 एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह से पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स उनकी जो एग्जॉन है जो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, ये हार्मोन यहाँ पे स्टोर होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये हार्मोन यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, जब ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि 2 ही हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन है, दूसरा ADH है। ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट जो है यूटेरिन मसल और मेमरी ग्लैंड्स पे होता है, और ADH का इफेक्ट जो है किडनी पे होता है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर लोब है, ये सेम इलस्ट्रेशन थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, एंटीरियर लोब में अपने एंडोक्राइन सेल्स हैं जो आगे 6 हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, पोस्टीरियर लोब के अंदर कोई इसका अपना हार्मोन नहीं होगा, हाइपोथैलेमस के हार्मोन होंगे आगे पोस्टीरियर लोब के अंदर,
स्टोर होते हैं, दो हार्मोन होंगे ऑक्सीटोसिन और एडीएच। तो ये हुए एंटीरियर पोस्टीरियर लोब, और जो मीडियन और इंटरमीडिएट लोब है तो आपको पता है कि उसमें यहाँ पे एक ही टर्म आप नोट करेंगे, मीडिया लोब के अंदर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH रिलीज होता है, मेलानिन। आगे इसका जो टारगेट होगा मेलेनोसाइट्स होंगे, मेलेनोसाइट्स होंगे, और मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं, मेलानिन पिगमेंट को रिलीज कराते हैं। मेलानिन पिगमेंट जो स्किन की पिगमेंट होती है, स्किन हर इंसान के अंदर स्किन का कलर जो अलग होता है, ये मेलानिन की सीक्रेशन की वजह से मेलानिन पिगमेंट, आगे डिस्कस करते हैं। तो सिंपली आपको ये बताना था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें सबसे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। 6 हार्मोन एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, 2 हार्मोन जो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और 1 हार्मोन जो है मीडियन लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो MSH उस हार्मोन का नेम है। और आगे उसका टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा मेलेनोसाइट्स होंगे स्किन के अंदर, जो क्या करेंगे मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। मेलानिन हार्मोन नहीं है, मेलानिन पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन का कलर आता है। होपफुली आपने ये 9 हार्मोन्स के जैसे नेम्स आपको याद होने चाहिए। अब हम हर एक हार्मोन का इफेक्ट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे कि उनका रोल या फंक्शन बॉडी के अंदर क्या है, ये 9 जो हार्मोन्स हैं इनका बॉडी में क्या रोल है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं। एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज एडीनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज एडीनो हाइपोफाइसिस, इसका अल्टरनेटिव टर्म भी है। एडीनो हाइपोफाइसिस इज कंसिडर्ड एज प्रीवियसली एज द मास्टर ग्लैंड। देखिए ना, ये प्रीवियसली इसको मास्टर ग्लैंड तस्वर किया जाता था। अब हम कहेंगे यस या नो यासिन, पिट्यूटरी ग्लैंड को अब हम मास्टर ग्लैंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस नो नो, क्यों? उसका रीजन बताएं, कौन सा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रीशन को रेगुलेट है, उस ग्लैंड का नेम बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड किस, हाइपोथैलेमस, एग्जैक्टली यू आर राइट, करेक्ट। RH और IH की जो सीक्रीशन होती है, बहरहाल वन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज इट सीक्रेट्स न्यूमरस हार्मोन। न्यूमरस मीन्स मेनी, कितने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे 6 हार्मोन कौन से, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को जैसे रेगुलेट करता है। ACTH एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड की सीक्रीशन को रेगुलेट करता है। इसी तरह से FSH और LH ये टेस्टिस एंड ओवरीज को, टेस्टिस ओवरीज को रेगुलेट करती हैं। इसी तरह से LTH ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, और जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनका टारगेट जो है जनरली मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, और वीक रोल है गोनेडोट्रॉपिन, गोनेडोट्रॉपिन के तौर पे भी काम करता है, जिसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। वीक गोनेडोट्रॉपिन है, प्रोलैक्टिन इज अ वीक गोनेडोट्रॉपिन। और ग्रोथ हार्मोन का जो टारगेट होगा इंटायर बॉडी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है इंटायर बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बिकॉज ऑफ इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो 6 हार्मोन्स हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यकीनन थायराइड ग्लैंड जो खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रीशन को रेगुलेट करेगा। जब तक TSH रिलीज नहीं होगा तो थायराइड अपने काम नहीं करेगा। इसी तरह से ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड की जो कार्टेक्स रीजन है उसको स्टिमुलेट करेगा, बिकॉज कार्टेक्स अलग होता है, मेड्यूला अलग, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एड्रीनल ग्लैंड की कार्टेक्स पोर्शन को, FSH एंड LH टेस्टिस एंड ओवरीज की सीक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ओवरीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह से LTH ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, अल्टरनेटिव नाम टर्म जो ल्यूटियोट्रॉपिक है, जो मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, और इसका एक वीक गोनेडोट्रॉपिन के तौर पे भी इसका रोल है। और GH होगा इंटायर बॉडी की ग्रोथ करता है। तो हमें इन 6 हार्मोन को अगेन एक और फर्दर जैसे टॉपिक है, हर एक हार्मोन की सीक्रीशन इफेक्ट, डेफिशिएंसी या ओवर प्रोडक्शन, ये हम देखेंगे। बिकॉज हार्मोन की नॉर्मल सीक्रीशन जरूरी है, नॉर्मल सीक्रीशन होगी तो नॉर्मल बॉडी के फंक्शन होंगे। अगर हार्मोन की कम प्रोडक्शन होगी, लो होगी, तब भी डिसऑर्डर है। अगर हार्मोन जो है नॉर्मल लेवल से हाई प्रोडक्शन होगी, ज्यादा होगी, तब भी जो है जिस तरह से डिसऑर्डर होगी। लो प्रोडक्शन होती है हार्मोन की, उसे हम कहेंगे अंडर प्रोडक्शन कहते हैं।
किसी भी हार्मोन की अगर लो प्रोडक्शन होगी तो उसे हम कहेंगे अंडर प्रोडक्शन कहते हैं, या अंडर सीक्रीशन कहते हैं, अंडर सीक्रीशन भी कहते हैं, अंडर सीक्रीशन कहते हैं, और इसी तरह से इसके लिए एक और भी टर्म यूज होता है हाइपो सीक्रीशन भी, हाइपो सीक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हाइपो लफ्स की मीनिंग होती है लो और बिलो, यानी नॉर्मल लेवल से अगर कम हार्मोन रिलीज होगा तब भी डिसऑर्डर, नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में हार्मोन रिलीज होगा तब भी डिसऑर्डर होगा। तो ये सारे इसको आप अल्टरनेटिव ले जाए, अंडर प्रोडक्शन को ओवर प्रोडक्शन में ले जाए, और इसी तरह से वहाँ पे जैसे आप देखें अंडर सीक्रीशन है तो ओवर सीक्रीशन भी हम इसके लिए टर्म दे सकते हैं ओवर सीक्रीशन, और वहाँ पे जैसे हाइपो सीक्रीशन है तो हाइपर सीक्रीशन। तो ये दोनों कंडीशन हाइपर सीक्रीशन या हाइपो सीक्रीशन हो, हाई कंसंट्रेशन हो तो उसमें भी एबनॉर्मलिटी होती है हार्मोन के हवाले से, अगर लो सीक्रीशन में कोई भी हार्मोन रिलीज होता है तब भी एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर का सबब बनता है। तो हार्मोन की एक लेवल जो है नॉर्मल रेंज की होनी चाहिए। तो ये हार्मोन की लेवल कौन मॉनिटर करता है यासिन सर? हार्मोन की लेवल कौन मॉनिटर करता है कि इसकी लेवल कम है या ज्यादा है, कौन मॉनिटर करता है, कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। एग्जैक्टली, आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह जो जवाब दे रहे हैं, जवाब ही स्टूडेंट ही दे रहे हैं, तो थैंक यू यासिन सर, आपने अच्छा जो है टॉपिक को पढ़ा है। तो ये सिक्स हार्मोन एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। तो अब हम सबसे पहले हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की तरफ आते हैं। ग्रोथ हार्मोन नंबर वन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन भी कहते हैं। जैसे देखें ऐसे काफी सारे जैसे शॉर्ट फॉर्म है ये आपको याद होने चाहिए, ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन, STH आल्सो कॉल्ड एज STH, ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज STH, और GH या कभी कभार HGH भी होता है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, या सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन STH, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, अल्टरनेटिव इसका टर्म है, नेम है, तो आप याद करेंगे। रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, आप स्टूडेंट्स को याद है ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ था, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से जब तक मींस कौन सा हार्मोन, जब तक GHRF GHRH रिलीज नहीं होता है तो मींस ये एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से ये रिलीज नहीं होगा। जब ये रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये रिलीजिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। फिर उसका इफेक्ट किस पे होगा, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। फिर एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराए, अदरवाइज ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, अदरवाइज ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो यानी इसकी जो सीक्रीशन है, रिलीजिंग हार्मोन है, GHRF भी कहते हैं, GHRH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और इसकी सीक्रीशन को इनहिबिट कौन करता है, वो भी हाइपोथैलेमस, जब जरूरत नहीं होती है बॉडी में या उसकी कंसंट्रेशन जैसे ज्यादा हो रही है तो मींस उसको सीक्रीशन को एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है उसमें ये हार्मोन की सीक्रीशन स्टॉप होगी, ये सोमेटोस्टेटिन की वजह से। सोमेटोस्टेटिन भी जैसे आपको पता है ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो इनहिबिटर है, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या जिसे हम इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट कराएगा। ठीक है, ये NTP में पॉइंट मौजूद है, हाइपोथैलेमस में सोमेटोस्टेटिन निकलेगा हार्मोन तब तो GH की प्रोडक्शन एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होगी। वेरी सिंपल सी पॉइंट्स हैं। तो ग्रोथ हार्मोन वर्ड से जाहिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसका असर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सेल डिवीजन स्पेशली, जैसे आपको पता है कि जब भी ग्रोथ होती है तो जाहिर है सेल्स की तादाद इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेंगे, सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, मेन पर्पस जो ग्रोथ हार्मोन का यही होता है। इसी तरह से इट आल्सो स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड इन द सेल्स एंड इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। जिसे देखें हर इंसान की एक बढ़ने की एक एज होती है, पर्टिकुलर एज होती है, तो उस एज तक उसका कद बड़ा होता है, उसके बाद जैसे उसका कद बड़ा नहीं होता है, हर फैमिली वाइज जो उनका एक नॉर्मल हाइट या उनका कद होता है उस हद तक उसका कद बढ़ेगा, उसके बाद कद नहीं बढ़ेगा।
ग्रोथ हार्मोन तो बाद में भी थोड़ा बहुत, जब कद बड़ा हो जाए उसके बाद भी थोड़ी सीक्रीशन तो रिलीज होती रहेगी, बट उस वक्त क्या होगा, उस वक्त कोई कद नहीं बढ़ा होगा, उस वक्त फिर क्या होगा, ये फंक्शन होगा कि अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड इन द सेल्स और इंक्रीज रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे ये पीटीबी बुक में, पंजाब के टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मौजूद है कि जब भी इसकी सिक्रीशन जो है, जैसे एडल्ट्स होते हैं तो उस वक्त कद बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम या फंक्शन ये होता है कि अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये क्लियर पॉइंट मौजूद है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट है जो, जिसका टेस्ट या हमारे सिलेबस से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिंथेसिस एंड सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स कॉल्ड सोमेटोट्रॉप्स। एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो 6 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले सोमेटोट्रॉप्स होते हैं और 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ द हार्मोन ईच डे जो है ये प्रोड्यूस होती रहती है। थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट है, टेस्ट से इसका कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, टेस्ट का और आपकी बुक्स में ये पॉइंट नहीं है। बहरहाल अब हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन के हवाले से नेक्स्ट, जो है कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से इफेक्ट करती है। ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं, एडिपोज अपटेक का फैट जो है उसको कम कर देंगे, और इसी तरह से बोन की जो साइज जो स्मॉल होती है वो बोन की साइज बढ़ाएंगे और मसल्स की भी ग्रोथ कराएंगे। ये मसल्स हैं तो ये बोन, बोन की साइज जैसे इंक्रीज हो रही है, मसल्स हैं ये सब ऐसे होंगे तो यकीनन जो एक कोई भी पर्सन है जिसका कद छोटा होता है तो देन उसका कद जो बड़ा होता है तो इस तरह से होता है, मसल्स की भी ग्रोथ है, बोन्स की भी ग्रोथ है, तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होता है। कोई ज़रूरत नहीं आपको याद करने की, समझने की। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, हम वहीं पर आते हैं कि जैसे एक डिसऑर्डर से जैसे आपने पढ़े कि जब हार्मोन की जब नॉर्मल रेंज और लेवल है उससे अगर कम सिक्रीशन होगी तब भी डिसऑर्डर, ज्यादा सिक्रीशन होगी तब भी डिसऑर्डर होगा, तो इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। जब ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम मिकदार में रिलीज होगा ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो उनकी बढ़ने की एज है, जैसे आपको पता है हर इंसान की एक बढ़ने की एज तकरीबन 18 से 21 साल तक उसका कद बड़ा हो सकता है, जितना भी कद बड़ा हो इतनी उम्र में उसका कद बड़ा होता है, तो उस पीरियड के दौरान अगर जीएच की मिकदार कम रिलीज हो तो उस पर्सन का कद नॉर्मल, बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे तो उनका कद बढ़ रहा होता है, बट जिसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रीशन कम रिलीज होती है तो उसके बाद उसका जो कद जो है नहीं बढ़ता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डवार्फिज्म। डेफिशिएंसी की मीनिंग होती है अंडर प्रोडक्शन, डेफिशिएंसी की मीनिंग है अंडर प्रोडक्शन, कम रिलीज हो, क्या रिलीज हो ग्रोथ हार्मोन तो उससे क्या होगा, डवार्फिज्म होगी। इन विच डेवलपमेंट ऑफ मच आर मोर स्लो एंड इंडिविजुअल एज शॉर्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की मीनिंग है ओवरऑल जो बॉडी की जो शेप होती है, कद होता है, कद छोटा होगा, बाकी ब्रेन से लेकर बॉडी पार्ट्स सब नॉर्मल होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ कद बड़ा नहीं होता है। हाउएवर द बॉडी पार्ट्स स्टे इन प्रोपोर्शन। जैसे अगर हेड स्मॉल है तो ट्रंक भी स्मॉल होगा, आर्म्स भी स्मॉल होंगे, लेग्स भी स्मॉल होंगे, सब चीजें एक ही प्रोपोर्शन, एक ही सिमेट्री में, बस उनकी साइज स्मॉल होती है। एंड ब्रेन डेवलपमेंट एंड आईक्यू आर अनइफेक्टेड, यानी उसको ना तो ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, ना आईक्यू लेवल पे, वेरी इंटेलिजेंट होंगे, सब कुछ होगा, बट सिर्फ कद छोटा होता है। तो ये पर्सन जैसे एक इलस्ट्रेशन है, ये डवार्फ पर्सन है। और दूसरी इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर होती है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग होते हैं जिनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बाई बर्थ होता है। जैसे अगर ये डिसऑर्डर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है, डॉक्टर साहबान ग्रोथ हार्मोन की सप्लीमेंट से इसका कद बड़ा कर सकते हैं। ये डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर हेड बिल्कुल इसकी साइज बढ़ेगी, ट्रंक की भी साइज बढ़ेगी, बट उसकी जो आर्म्स हैं वो छोटी होती हैं और लेग्स छोटे होते हैं। इस डिसऑर्डर को कहते हैं अकोंड्रोप्लेसिया कहते हैं, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बाई बर्थ होता है और इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी डवार्फिज्म को जो है करेक्ट किया जा सकता है ग्रोथ हार्मोन की सप्लीमेंट की मदद से। इसके हर बॉडी पार्ट, हेड भी स्मॉल है, ट्रंक भी स्मॉल है, आर्म्स भी स्मॉल है, लेग्स भी स्मॉल है, नॉर्मल पर्सन है, बट अकोंड्रोप्लेसिया होगा तो उसका जो हेड जो है जैसे ग्रो करेगा, नॉर्मल पर्सन का जितना हेड बढ़ता है वो बढ़ेगा, इसका ट्रंक भी जैसे
नॉर्मल पर्सन का जो कद बड़ा होता है तो वो बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी आर्म्स एंड लेग्स जो है ना ये छोटी होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अकोंड्रोप्लेसिया। कल हम जैसे एक जाइगेंटिज्म भी है उसको भी डिस्कस करेंगे, जाइगेंटिज्म है और आगे जितने में, कल संडे है, बायो की क्लास होगी, ठीक है, संडे। सी यू। हाँ सर।